पूछताछ को टालने के लिए किए गए अनुरोध को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद अंततः रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को मुंबई में वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुई। रिया अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ सुबह 11:50 पर ईडी कार्यालय में पहुंची। ईडी धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मामले में अभिनेत्री का बयान दर्ज करेगी। एजेंसी उससे वित्तीय मामलों और संपत्तियों में निवेश के बारे में सवाल करेगी। साथ ही पिछले साल में दिवंगत अभिनेता के बैंक खाते से हुई वित्तीय लेनदेन के बारे में भी पूछताछ करेगी। ईडी ने 31 जुलाई को रिया और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। यह मामला दिवंगत अभिनेता के खाते से कथित रूप से 15 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन से संबंधित है। बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने 25 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें उन्होंने रिया, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी पर सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, धोखाधड़ी करने और सुशांत को बंधक बनाने का आरोप लगाया था। ईडी ने मामले में बिहार पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर रिया और उसके परिवार के सदस्यों का नामजद किया है। ईडी ने उन फर्मों के वित्तीय लेनदेन का विवरण भी मांगा है जिसमें रिया और शोविक डायरेक्टर हैं। इससे पहले रिया ने ईडी से अनुरोध किया था कि वह सुशांत की मौत के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में उसकी पूछताछ को फिलहाल टाल दे और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही उससे पूछताछ करे, लेकिन ईडी ने उसके अनुरोध को खारिज कर दिया था। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने अभिनेता की मौत के मामले में रिया और उसके परिवार के सदस्यों पर मामला दर्ज किया है। INS रिपोर्ट।